दोस्तों मैगिन बोल रहा हूँ, परफेक्ट एंट्री और गिट कैसे करते हैं ट्रेडिंग में, आपको जो लैब बताऊंगा। जैसे अभी बैंक निफ्टी जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो इसका हाई को ब्रेक करता तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, 45,745 को ब्रेक करता तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। इसका प्रीमियम अभी देख चल रहा है 444 का, ठीक है। और हमारा टारगेट इसका रहेगा ये वाला, जहाँ से मार्केट नीचे गिरा है ये हमारा टारगेट रहेगा। और प्रीमियम में हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपको 476 का, दूसरा टारगेट रहेगा 497 का। तो इसको ब्रेक करने का हम इंतजार करते हैं, जब इसको ब्रेक करता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। चार सौ अंठावन जगह में टिगर होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर होगा या तो फास्ट मोमेंटम होगा, जिस हिसाब से इसको ये रेजिस्टेंस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए यही होता है मेरे भाई, देखिए ये तो ब्रेक कर दिया है लेकिन प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, तो इसलिए प्रीमियम का भी चार्ट देखा करो कि प्रीमियम के चार्ट में से क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो प्रीमियम के भी चार्ट को देख के हम लोग एंट्री एग्जिट एक सही ले सकते हैं। इसको ब्रेक कर दिया, अगर उसको ब्रेक कर दिया था मैं करता यहाँ पर एंट्री ले लेता, अगर प्रीमियम चार्ट नहीं देखता तो। हेलो, वहाँ से नीचे गिर रहा है, प्रीमियम घट भी रहा है, तो मैं वहाँ पर लिमिट लगा दी होगी, अगर इसको जब 458 को ब्रेक करेगा तो वहाँ पर हमारा एंट्री अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे बोला था ना मैं 500 और 458 में बाई करूँगा, तो मैं बाई किया और इसमें मेरा स्टॉप लॉस इसका क्या है, अब स्टॉप लॉस जस्ट इसके हमारे नीचे हो जाएगा, 425 का मैं स्टॉप लॉस लूँगा। और टारगेट हमारा कौन सा है, फर्स्ट टारगेट 476 का है और दूसरा टारगेट हमारा होगा 499 का। तो देखते हैं हम लोग अचीव होता कि नहीं होता, हम लोग वेट करते, देखो कितना टाइम लगा तब एंट्री मिला। टारगेट जो भी है टारगेट अचीव हो गया, मैं ये फर्स्ट टारगेट इसका ये वाला था, ये वाला टारगेट अचीव हो गया। मैं कितना टाइम लगा मेरे टारगेट अचीव करने के लिए, कई घंटा लगा, फिर ये मेरा टारगेट अचीव हुआ, कितना ज़बरदस्त टारगेट मिला।